बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। आज मैं जा रहा हूँ गंदम को पानी लगाने, तो देख चलते हैं, फिर आपको भी दिखाते हैं कैसे खाद डाली जाती है और कैसे पानी लगाया जाता है। जी तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि ये जो मोटर मेरे पीछे चल रही है, ये मैंने मोटर चलाई हुई है और इस मोटर से पानी लगाया है। ये देखें, ये जी ये मोटर है जो मैंने चलाई हुई, टरबाइन है, तो ये मैंने चलाई, इसका पानी लगाया है। ये आप देख रहे हैं कि वो खाले में पानी जा रहा है, तो पानी खेत में पहुंच चुका है। तो मैं पहले आपको ये दिखाने आया था कि ये मोटर हमने चलाई हुई है, ये इसका पानी जा रहा है, ये जा रहा है, वो खाले में जा रहा है। तो अभी चलते हैं खेत में और वहाँ पर अपनी खाद को चेक करते हैं। वो हमने ड्राम में लगाई हुई है, हमने पहली खाद जो है एक एकड़ को ड्राम में लगाई है, और एक बीघा है जिसे हम छटा देंगे। उसे छटा हम इसलिए देंगे कि जो खाले में मौजूद पानी खड़ा है, उस पानी के नगाल से ही वो पी जाएगा। तो हमने जो पिछली वीडियो में शायद मौजूद हो के एक बीघा था जो धान का हमने छेकट बाद में काश्त किया था एंड पे, तो ज़्यादा वो उसकी कटाई भी एंड पे हुई थी, तो वहाँ पर भी गंदम की बिजाई की गई थी। तो वो गंदम भी आपको दिखाते हैं। ये मोटरसाइकिल खड़ा है, ये गंदम जो आपको दिखाई दे रही है, इससे नीचे वाली वो गंदम है, तो जो पहले पानी लगा हुआ है वो दूर है और ये पानी नज़दीक होगा, इसीलिए वो खाद का छटा देकर हम यहाँ पर आ जाएंगे, क्योंकि जो खाले का नगाल होता है वो आहिस्ता आहिस्ता बहता रहता है। तो इसीलिए वहाँ पर जो ड्रम पड़ा है वो आप यहाँ पर ला कर रख देंगे और उस ड्रम के ज़रिए इस गंदम को पानी लगाएंगे। तो चलते हैं जी खेत में और खाद का छट्टा देते हैं। जी तो फ्रेंड्स, हम खेत में पहुंच चुके हैं, तो ये है जी वो ड्रम और ये है वो बर्तन जिसके साथ इस ड्रम में पानी डाला जाता है। तो हम अपने ड्रम में खाद चेक करते हैं कि कहां तक पहुंच चुकी है। जी ये ड्रम तकरीबन हाफ हो चुका है, तो अभी हम देखते हैं कि हमारा पानी आगे कहां तक पहुंच चुका है। जी वो यहां तक पानी आप जहां तक भाप देख रहे हैं, यहां तक पानी पहुंच चुका है, तो ये एक क्यारा हो चुका है। अभी पानी को आगे करते हैं। जी तो मेरा ख़्याल से ये क्यारा, तो जी तो ये क्यारा आप देख रहे हैं कि यहाँ तक हो चुका है, बस ये थोड़ा सा रहता है। जब ये हो जाएगा तो हम पानी आगे को छोड़ देंगे। ये क्यारा ये आप देख रहे हैं, ये क्यारा जब ये क्यारा हो जाएगा तब वहाँ से पानी जो ड्रम पड़ा है जो दूसरे क्यारे को छोड़ देंगे वहाँ से, तो वहाँ से वो क्यारा पी जाएगा। जी तो फ्रेंड, जब तक ये क्यारा मुकम्मल होता है तो तब तक हम दूसरे बीघा में खाल का छट्टा दे देते हैं।
जी तो फ्रेंड ये क्यारा मुकम्मल हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो अभी पानी हम दूसरे क्यारे की तरफ और देंगे। वो क्यारा मुकम्मल हो चुका है, अब हम इस क्यारे को यहाँ छोड़ने। जी तो फ्रेंड्स वो एकड़ मुकम्मल हो चुका है, उसे पानी लग गया, अब हम इस बीघे को पानी छोड़ने लगे। हमने आपको पहले बताया था वो नगाल के साथ ही हो जाएगा, खाले में जो मौजूद पानी है उससे ही हो जाएगा। अब हम इस तरीके को पानी बांधने लगे, अब हम ये टायर बदलेंगे। अब हम ड्रम में खाद डालेंगे। और ये सल्फर है,
ये भी इसमें डालेंगे। ये आप देख सकते हैं सल्फर, अब खाद डालेंगे इसके अंदर। अब पानी थोड़ा सा इसको लाएंगे और उसके बाद पानी डालेंगे ताकि ये खाद पानी में अच्छी तरह हल हो जाए। अब जो मजीद इसमें पानी जी, मेरा ख्याल है कि अब खाद चेक कर लेते हैं, हल हो चुकी है तो अब उसमें थोड़ा सा मजीद पानी डालेंगे। ये देखें ये मुकम्मल चल चुका है जी, अब मजीद पानी डालेंगे। जी तो फ्रेंड्स हम वापस घर में आ चुके हैं, तो अभी तकरीबन रात के 10 बज चुके हैं, तो रास्ते में आते हुए हाथ पांव बहुत थक गए थे तो अभी चाय पिए। और जी तो फ्रेंड्स हम वापस घर में आ चुके हैं, तो अभी तकरीबन रात के 10 बज चुके हैं, तो रास्ते में आते हुए हाथ पांव बहुत थक गए थे तो अभी चाय पिए और हाथ पांव गर्म किए आग से किए। तो अब वीडियो ख़त्म होती है, तो मुझे दीजिए इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।